लाइफ में जाऊं? Hi, I hope everyone is doing good. Am I audible to all? Good morning to each and every one of you. It's a cold Sunday morning in Delhi. Right? Am I audible? Superb. Great. I think I'm audible to all. So let's jump into the session. And in today's session, what we'll do, we'll discuss about the importance of segmental analysis. And apart from the importance of segmental analysis, हम लोग ये बात करेंगे कि आप लोग अपनी investing journey में segmental analysis का कैसे use कर सकते हैं. क्योंकि मैंने काफी investors से बात करी है, तो एक problem क्या होती है कि कोई मेरे को कहता है कि जैसे तत्वा चिंतन की बात करते हैं कि उसमें electrolytes बहुत अच्छा करेंगे. पर जब इलेक्ट्रोलाइट्स की बात चालू होती है तो पता लगता है सर इट्स ओनली 1% ऑफ द सेल्स. तो सिर्फ सेगमेंट वाइज इट इज ओनली 1% ऑफ द एंटायर सेल्स. तो उस सेगमेंट पे बेट करना काफी मुश्किल हो जाता है. सिमिलरली जब हम पॉलीकैप की बात करते हैं तो पॉलीकैप में बहुत लोग कहते हैं कि इसका एफएमईजी बिजनेस ग्रो कर गया या सब कुछ हो गया. बट पॉलीकैप का भी जो एफएमईजी बिजनेस है, देन दैट डिपेंड्स कि वो कितना परसेंटेज ऑफ सेल्स है, कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी है. राइट? सो आई होप आई एम ऑडिबल टू ऑल बिकॉज समवन इज मेंशनिंग I'm not able to be heard, right? That basically they're not able to hear me. Jitendra, I'm audible. Great. So I'll just start the session. I'll just share the screen with every one of you. Just give me a second. Superb. So the screen will be visible to all of you. I'll also open something on Twitter too. I'll show it to you, right? So first thing, I think on Twitter, I'll like to show it to you before I jump into the segmental analysis, is actually the scheduled commercial credit growth in India. जो scheduled commercial banks हैं, उनकी कितनी credit growth चल रही है इस time पे. तो आप देख रहे होंगे कि banking sector थोड़े time से अच्छा नहीं कर रहा. And one of the primary reasons कि banking sector इस time पे Nifty को underperform कर रहा है, क्योंकि जो scheduled commercial banks हैं यहाँ पे भी credit growth नहीं आ रही. If you look at this green line, तो इसका मतलब क्या है कि इस time पे credit growth जो एक time पे 15-16-20% होती थी 2018-19 के अंदर, इस time पे जो credit growth है, it has fallen to 6-7% के आसपास. Now, ये जो 6-7% के आसपास fall आया है, this is why opportunity is being created. क्योंकि होता क्या है कि जब भी हमें ऐसे जब भी किसी सेक्टर में हेडविंड्स आती है, तब जाके उसके अंदर जो वैल्यूएशन है वो थोड़ी सी रीजनेबल हो जाती है. 2018-2019 के अंदर जब हम पूरी जब हम फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, तो उस टाइम पे बहुत एक्सपेंसिव वैल्यूएशन थी. बट आपने देखा है रिसेंटली हम फाइनेंशियल्स की वीडियो चैनल पे बहुत बना रहे. वन ऑफ द रीजन की हम फाइनेंशियल्स की वीडियो चैनल पे बहुत ज्यादा बना रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि इस टाइम पे सेक्टर की वैल्यूएशन सस्ती हो रखी है. जब सेक्टोरल वैल्यूएशन सस्ती होती है, तो जो एक अल्फा होता है पी री रेटिंग के साथ या प्राइस टू बुक री रेटिंग के साथ, तब बनाना ईजी हो जाता है. फाइनेंशियल्स लेने का तब पॉइंट नहीं है जब पूरी दुनिया चला चला के बोल रही है कि फाइनेंशियल्स बहुत अच्छा सेक्टर है, बहुत अच्छा सेक्टर है. आज दुनिया में कोई इंटरेस्टेड नहीं है फाइनेंशियल्स के अंदर. शायद से वी आर वन ईयर अर्ली इन द जर्नी, कि हम एक साल पहले ही ऐसे सेक्टर को ले रहे हैं. So financials is one of the is basically one of the sectors जो इस time पे अच्छा लग रहा है. And now just finally coming to segmental analysis. Segmental analysis में आने से पहले Tijori Finance में एक बहुत interesting feature है. Basically जो product wise आपको breakup दे देते हैं. तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब हम पॉलीकैप की बात करते हैं, तो एक बहुत interesting trend सामने आता है कि पॉलीकैप की PE 42 times की रहती है. Whereas if we compare पॉलीकैप with Havells, तो यहाँ पे एक फीचर है तिजोरी फाइनेंस का बेंचमार्किंग के नेम से. जब हम तिजोरी फाइनेंस को हैवेल्स के साथ कंपेयर करते हैं, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज क्या आती है सामने कि हैवेल्स का एक्चुअली जो बिजनेस मिक्स है, कि हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं जैसे पॉलीकैप वर्सेस हैवेल्स के अंदर. तो ये फीचर आपको कहाँ हेल्प करता है कि हैवेल्स के बिजनेस मिक्स के अंदर जो केबल्स है, दैट इज 30%. फिर जब हम पॉलीकैप की बात करते हैं, तो इनके बिजनेस मिक्स में केबल इज 81% के आसपास. वैसे हैवेल के बिजनेस में जब हम इलेक्ट्रॉनिक एप्लायंसेस की बात करते हैं, या जो भी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स की बात करते हैं,
यहाँ पे आप देख सकते हैं 22%, 16%, 13% एंड 10%। तो ऑलमोस्ट क्लोज टू 70% के आसपास का बिजनेस जो है वो एफएमईजी गुड्स या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस है उनसे आते हैं, जैसे जो जो इसका बिजनेस है लॉयड कंज्यूमर का। वेरस अगर हम पॉलीकैब की बात करें तो पॉलीकैब में आज सिर्फ 11.5% ही बिजनेस है जो इस सेगमेंट से आता है। तो इस वजह से वैल्यूएशन के अंदर जो डिस्पैरिटी है वो हमें दिखती है। माने जब हम हैवल्स की वैल्यूएशन देखते हैं तो हैवल्स की जो वैल्यूएशन है उस टाइम पे 20-25 मतलब 60-65 की पी पे कभी कभी ट्रेड करता है। विराज जब हम पॉलीकैप की वैल्यूएशन देखते हैं तो पॉलीकैप 40-42 की पी पे मिलता है। तो आज जो पॉलीकैप के इन्वेस्टर्स हैं वो कल को क्या बेट कर रहे हैं कि इवेंचुअली व्हाट विल हैपन इज कि पॉलीकैप विल आल्सो स्टार्ट एंटरिंग इनटू व्हाट हैवल्स इज डूइंग, जो एक्चुअली अभी दिख भी रहे। क्योंकि वायर्स एंड केबल्स बिजनेस के अंदर क्या प्रॉब्लम रहती है कि ये बी टू बी बिजनेस है, माने बिजनेस टू बिजनेस बिजनेस है, तो उसमें वर्किंग कैपिटल ज्यादा आपका खर्चा रहता है, आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम बनता है। Whereas Havells का जो बिजनेस है वो बी टू सी बिजनेस ज्यादा है, तो आपका वर्किंग कैपिटल में पैसा कम फंसता है, माने आपके ट्रेड रिसीवेबल्स में पैसा बिल्कुल भी नहीं फंस रहा। तो इस वजह से क्या रहता है कि Havells को एक सुपीरियर वैल्यूएशन मिलती है व्हेन वी कंपेयर टू पॉलीकैब। फिर तीसरी कंपनी की बात करते हैं केईआई इंडस्ट्रीज की, जो सिर्फ जो केबल्स का बिजनेस है उसके अंदर है, अभी एफएमईजी इस टाइप के बिजनेस में नहीं है। तो इस वजह से केईआई इंडस्ट्रीज को इस सेक्टर के अंदर लोएस्ट वैल्यूएशन मिलती है। तो एक बार जो हम इन तीन कंपनीज की जो मतलब जो वैल्यूएशन है एक बार उसका भी पूरा जो कंपैरिजन है एक बार हम लोग करके देख लेते हैं। तो लेट्स डू अ डिटेल कंपैरिजन विद हैवेल्स ओवर हियर एंड लेट्स आल्सो ऐड अ कंपटीटर बाय द नेम ऑफ केईआई इंडस्ट्रीज। अब हम स्क्रीनर का जो कंपेयर फीचर है वो यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो केईआई इंडस्ट्रीज है, क्योंकि मिक्स शिफ्ट ऐसा है, जैसे हम तिजोरी पे चेक कर सकते हैं कि केईआई इंडस्ट्रीज प्योरली एक बी टू बी बिजनेस है, whereas Havells एक प्योरली हाफ द बिजनेस इज बी टू सी, whereas पॉलीकैब में 80% बिजनेस इज बी टू बी एंड ओनली 12-13% बिजनेस इज बी टू सी राइट नाउ। सो दिस इज वॉट एंड्स अप रिफ्लेक्टिंग इन द पी मल्टीपल्स ऑफ द बिजनेस। दिस इज वॉट एंड्स अप रिफ्लेक्टिंग इन द पी मल्टीपल्स ऑफ द बिजनेस कि पॉलीकैब को 43 times का मिलता है, Havells को 70 times का मिलता है इफ यू लुक एट Havells, एंड इफ यू लुक एट केईआई इंडस्ट्रीज तो 31 times का मिलता है। सो समटाइम्स ये सेगमेंट देखना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है अगर आप एक इन्वेस्टर हैं या अगर आप एक निवेशक हैं, क्योंकि बहुत कम लोग आपको ये सेगमेंट बारे में बताएंगे। क्योंकि जब आप सेगमेंट को देखेंगे तो होता क्या कि इससे हमें एक आइडिया लगता है कि एक्चुअली में कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल है या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आएगा। इस वजह से अगर आप देख सकते हैं तो आरओसी अगर हम तीनों कंपनीज का देखें तो पॉलीकैब का 24% रहता है, Havells का ऑलमोस्ट 30% के आसपास रहता है, व्हेरएज इफ यू लुक एट केईआई इंडस्ट्रीज तो 21% के आसपास रहता है। क्योंकि केईआई इंडस्ट्रीज आई एम प्रीटी श्योर इनका जो रिसीवेबल डेज का साइकिल होएगा आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट एक्सटेंडेड होएगा इंडस्ट्री के अंदर। तो यहाँ पे हमें दिख भी सकता है इजिली कि वर्किंग कैपिटल की मैं आपके साथ बात कर रहा था, तो वर्किंग कैपिटल डेज को अगर आप चेक करते हैं तो पॉलीकैब के केस में 72 days के आसपास का है, Havells में 24 days के आसपास का है, बस केईआई इंडस्ट्रीज के केस में 118 दिन के आसपास का है। तो इसका मतलब क्या है कि मेरा वर्किंग कैपिटल में पैसा 118 दिन के लिए फंस रहा है। जहां पे वर्किंग कैपिटल में पैसा कम दिनों के लिए फंसेगा वहां पे आरओसी ज्यादा हो जाता है, वहां पे ओवर देयर योर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इंक्रीजेस। सो दिस इज वन ऑफ द इनसाइट्स दैट यू नीड टू हैव व्हेन यू डूइंग फंडामेंटल एनालिसिस कि यू नीड टू लुक एट डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द कंपनी। एंड सो जस्ट गोइंग फॉरवर्ड टू मोर एंड मोर एग्जाम्पल्स, तो एक एग्जाम्पल जो हमारे सामने आता है दैट इज ऑफ दीपक नाइट्राइट। नाउ दीपक नाइट्राइट की मैं आपके साथ इजिली जो एनुअल रिपोर्ट है वो खोल के डिस्कस करता हूँ कि दीपक नाइट्राइट के जो चार बिजनेस डिविजन है वो कौन कौन से उनके अंदर क्या क्या खास है, फिर उसके जो हम बेसिकली फाइनेंशियल्स एक बार वो देखेंगे। तो आज दीपक नाइट्राइट के अंदर चार बिजनेस डिविजन है, तो वन इज बेसिक केमिकल्स, एक बार हम तिजोरी फाइनेंस पे ये भी खोल के देख लेते हैं कि क्या क्या बेंच मार्किंग करके भी देखते हैं दीपक नाइट्राइट की। दीपक नाइट्राइट राइट, आई थिंक दिस विल बी अ गुड एक्टिविटी फॉर यू, क्योंकि ये सेगमेंट को देखना काफी लोग नहीं देखते, तो मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि सबको देखना चाहिए, तो इट विल गिव यू अ गुड आइडिया। तो तिजोरी फाइनेंस पे आके अगर हम ये देखते हैं बेंच मार्किंग करते हैं सेगमेंटल ब्रेकअप में, इस टाइम पे जो फिनोलिक्स है वो 66% ऑफ द सेल्स है, वेराज जो बाकी दो डिविजन है बेसिक केमिकल्स 15% है, फाइनेंस स्पेशलिटी 11.5% है, परफॉर्मेंस प्रोडक्ट सिर्फ 6.2% के आसपास है सेल्स का। वेराज अगर हम यहाँ पे बेंच मार्किंग फीचर यूज करके देखते हैं तो आई थिंक दीपक नाइट्राइट को उन्होंने कोरोमंडल और पी आई इंडस्ट्रीज से करा हुआ, बट आई विल रादर सजेस्ट कि दीपक नाइट्राइट को आदित्य इंडस्ट्रीज के साथ बेंच मार्क करना चाहिए, आपको एक बेटर आइडिया लगेगा कि दोनों के बिजनेस की जो वैल्यूएशन है वो इतनी डिफरेंट क्यों है। तो पीछे आके एक बारी जो वापस इनका बेंचमार्किंग का फीचर है, सॉरी ओवरव्यू का फीचर है, उसमें आके देखते हैं। सो अगेन सेगमेंटल ब्रेकअप के हिसाब से अगर हम पूरी चीज चेक करते हैं तो
हिस्टोरिकली यहाँ पे हम जैसा चेक कर सकते हैं कि जो फिनोलिक्स है वो एक टाइम पे 2019 में 33% ऑफ सेल्स था, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्योंकि दीपक फिनोलिक्स की यूटिलाइजेशन बढ़ी है और फिनॉल के प्राइस भी बहुत बढ़ गए, इस वजह से सेल्स फिनोलिक्स की काफी ज्यादा बढ़ गई है, तो फिनोलिक्स का परसेंटेज एज अ कंपनीज टोटल सेल्स बढ़ गया 66% के आसपास आ गया। वेराज अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं कि चार डिवीजन है कौन कौन से, तो बेसिक केमिकल्स का क्या डिवीजन है दीपक नाइट्राइट का, इसकी एप्लीकेशंस कलरेंट्स में है, पेट्रोकेमिकल्स में है, एग्रोकेमिकल्स में, एंड यहाँ पे ये 2020 में 17% ऑफ सेल्स था, वेराज इसका कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रॉफिटेबिलिटी 16% के आसपास है। तो बेसिक केमिकल्स को अब इन्होंने रीनेम कर दिया बेसिक इंटरमीडिएट्स, ऐसा बेसिक इंटरमीडिएट रीनेम क्यों करें क्योंकि बेसिक केमिकल्स में भी इस कंपनी पास एक एक्सटेंट ऑफ प्राइसिंग पावर आ रही है वापस। तो यहाँ जाके अगर हम प्रोडक्ट सेगमेंट्स के अंदर, ये हम स्क्रीनर पे चेक कर सकते हैं प्रोडक्ट सेगमेंट्स के, अगर हम यहाँ पे आके इनके जो मार्जिन चेक करते हैं तो बेसिक इंटरमीडिएट्स में अगर आप यहाँ पे मार्जिन चेक करते हैं तो इनका ऑलमोस्ट 26% के आसपास मार्जिन आ गया। अगर मैं मतलब क्वार्टर में आके देखता हूँ तो यहाँ पे आगे अगर मैं परसेंटेज जो परसेंटेज मार्जिन है अगर वो चेक करता हूँ तो बेसिक केमिकल्स में 23 to 24% के आसपास मार्जिन आ गया। एंड एक्चुअली मैं अगर आपको मैं ये बात बताऊँ तो ये कंपनी 2014 से पहले सिर्फ बेसिक केमिकल्स की ही कंपनी थी, तो अगर आप 2014 से पहले इनका जो पूरा जो मार्जिन है अगर आप स्टैंड अलोन बेसिस पे देखते हैं तो स्टैंड अलोन बेसिस में 2012 तो एक टाइम पे इनका मार्जिन बेसिक इंटरमीडिएट्स में 8 से 11% के बीच में था, बट कंपनी ने कॉस्ट एफिशिएंसी पे इतना काम करा है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंपनी के जो मार्जिन है वही बढ़ गए, माने 10-11% मार्जिन वाली कंपनी आज उस सेगमेंट में 20-26% मार्जिन तक पहुंच गए। सो बेसिकली दीज स्मॉल थिंग्स टेल यू अबाउट वेदर द मैनेजमेंट इज स्मार्ट ऑन वर्किंग ऑन द मार्जिन ऑन नॉट। तो फर्स्ट फाइनली कमिंग टू दिस सेकेंड बिजनेस, इनका जो फाइनेंस स्पेशलिटी है ये बहुत कस्टमाइज सेगमेंट है और यहाँ पे भी मार्जिन काफी ज्यादा आए हैं, आई थिंक हाईएस्ट मार्जिन बिजनेस फाइनेंस स्पेशलिटी का। तो फाइनेंस स्पेशलिटी में अगर आप मार्जिन देखेंगे तो 34% से लेके 30% के आसपास है, बीच में 43% भी गए थे, बट मैनेजमेंट गाइड करती है 37 to 41% के बीच में होना चाहिए जब रॉ मटेरियल की प्राइसिंग के अंदर स्टेबिलिटी आती है। तो बिजनेस को सेगमेंट्स में ब्रेकअप करके देखना बहुत जरूरी रहता है क्योंकि एक तरीके की पजल आपके लिए कंप्लीट हो जाती है। फाइनली जब हम परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स में इनका एक बिजनेस आता है डायजा का। अब डायजा का बिजनेस सिक्लिकल बिजनेस है हाईली, तो परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स की जब हम देखते हैं तो यहाँ पे डायजा और ओबीए करके इनका एक बिजनेस आता है, तो ये बहुत सिक्लिकल बिजनेस है, यहाँ पे मार्जिन काफी ज्यादा वॉलेटाइल रहते हैं। तो अगर हम दीपक नाइट्राइट के परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे ईविट मार्जिन एक टाइम पे इनका 54% पहुंच गया था। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि वर्ल्ड में शॉर्टेज हो गई थी डायजा एंड ओबीए की, क्योंकि चाइना में शटडाउन चल रहा था, तो जो सैकर केमिकल्स है आई थिंक वन ऑफ द कंपेटिटर्स और जो लायन केमिकल्स है, लायन केमिकल्स की प्लांट शटडाउन हो रही थी। तो जैसे ही प्लांट वापस आया तो आप देख सकते हैं कि कितनी भारी ज्यादा यहाँ पे मार्जिन के अंदर वॉलेटिलिटी थी कि 54% से मार्जिन 9 to 4% आ गया है ना, वापस जो रिकवरी हो रही है मार्जिन के अंदर। एंड डैशडॉट और ओबीए की प्राइसिंग बढ़ गई है तो आई थिंक नेक्स्ट क्वार्टर में 20-25% के आसपास मार्जिन आ सकते हैं। तो बिकॉज अ फ्रेंड ऑफ माइन हैज अ प्लांट ऑफ डैजडा इज कम्पीटिंग विद दीपक नाइट्राइट, तो उनसे ही मेरे को पता लगा कि डैजडा की जो प्राइसिंग है इस टाइम पे बढ़ गई है काफ़ी, तो नेक्स्ट क्वार्टर ऑनवर्ड्स भी तो प्राइसिंग जो उसके मार्जिन है बढ़ सकते हैं वापस। और फाइनेंस स्पेशलिटी हमें हमने देखा। फाइनली जब हम फिनॉलिक्स की बात करते हैं तो फिनॉल भी एक बल्क केमिकल बिजनेस है, तो फिनॉल का एक भी एक टाइम पे मार्जिन 6 to 8% के आसपास आ गया था, फिर आज अब फिनॉल का भी मार्जिन 19% के आसपास है लेटेस्ट क्वार्टर में। तो दीपक को व्यू कैसा करना चाहिए आपको एज अ डाइवर्सिफाइड केमिकल कंपनी जिसके चार सेगमेंट्स हैं, एंड चार सेगमेंट्स में आज अगर हम जाके एक एनुअल रिपोर्ट के अंदर आपको सिंपली क्या दबाना होता है? सेगमेंटल, सेगमेंटल। अगर आप सेगमेंट पे दबाते हैं दीपक नाइट्राइट में तो आपको यहाँ पे सेगमेंटल रिजल्ट मिल जाएंगे कंपनी के, एंड जब आपको सेगमेंटल रिजल्ट मिलते हैं कंपनी के तो सेगमेंटल रिजल्ट के अंदर आप क्या कर सकते हैं सिंपली, या वहां पे जाके इन सारी इस कंपनी के जो ईबिट है या फिर जो ईबिट मार्जिन है आप सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस कैन हेल्प यू अलॉट एज एन इन्वेस्टर क्योंकि आप परसेंटेज सेल्स देख सकते, पूरा पूरा देख सकते हैं कि किस सेगमेंट का क्या परसेंटेज सेल्स है, किस सेगमेंट का कितना परसेंटेज सेल्स नहीं है, क्योंकि दिस विल हेल्प यू टू सॉर्ट ऑफ थिंक अबाउट कि आपकी थीसिस कौन से सेगमेंट पे है। जैसे आईटीसी में आज बहुत लोगों की थीसिस एफएमसीजी सेगमेंट पे, बट एफएमसीजी सेगमेंट आज ईबिट का सिर्फ 5% के आसपास है, तो वो भी हम एक बार चेक करेंगे। तो यहाँ पे आई थिंक जो प्राइमरी सेगमेंट इन्फॉर्मेशन है ये हमारे पास स्टैंड अलोन बेसिस पे, कंसोलिडेटेड जो कंसोलिडेटेड बेसिस है एक बार हम उस पे भी उस पे एक बार चेक कर लेते हैं।
ये हमारे पास जो स्टैंड लोन बेसिस है उसके ऊपर है, तो आई थिंक एक बार आपको मैं कंसोलिडेटेड बेसिस पे दिखाता हूँ, जिसके अंदर फिनॉल का भी बिजनेस आता है इनका, राइट। तो ये आ गया कंसोलिडेटेड बेसिस पे। तो यहाँ पे हमारे पास सेगमेंटल रेवेन्यूज आ जाते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि बेसिक केमिकल में सेगमेंटल रेवेन्यू 760 करोड़ के आसपास का था। अब मेरे को सिर्फ बेसिक केमिकल का मार्जिन कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पे मेरे पास ईबीआईटी है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। सो बेसिक केमिकल्स में जब हम देखते हैं तो 194 करोड़ का प्रॉफिट है एंड 760 करोड़ का रेवेन्यू है। तो हमें क्या करना है, 194 डिवाइड बाई 760 इंटू 100 करना है, माने हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मार्जिन आ जाएगा। मैं आपके साथ एक सेगमेंट का करके भी देख लेता हूँ, एंड अगर आप ये स्ट्रीम देख रहे हैं तो आपके लिए क्या होमवर्क है, ये 273 पेज नंबर है दीपक नाइट्राइट के एनुअल रिपोर्ट का। अब बेसिक केमिकल्स, फाइन एंड स्पेशलिटी, परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स और फिनोलेक्स का लास्ट 2 ईयर्स का आप मार्जिन कैलकुलेट करके कॉमेंट सेक्शन में मेरे को बताएंगे। मैं आपके साथ एक बेसिक केमिकल का आपको मैं करके दिखा दूंगा। 194 डिवाइड बाय 760, राइट, 194 डिवाइड बाय 760, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, ऑलमोस्ट, अब इसको मैं कर दूंगा इंटू 100। तो परसेंटेज में बेसिक इंटरमीडिएट्स का जो FY21 का मार्जिन था वो पूरे टोटल 25.5% के आसपास था, अगर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं। सिमिलरली आप लोग मेरे को ये करके दिखाइए कि फिनोलिक्स का कितना था, परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स का कितना था, फाइनेंस स्पेशलिटी का कितना था, क्योंकि अगर आप ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें करेंगे तो एज एन इन्वेस्टर आप बेटर होते जाएंगे। फाइनली हम एक और बिजनेस की बात कर लेते हैं, लॉरस लैब्स की। आई थिंक लॉरस में भी सेगमेंट में जाने से पहले तो दीपक नाइट्राइट में आप एक इंटरेस्टिंग चीज क्या देख सकते हैं कि दीपक नाइट्राइट के बिजनेस में आज इसको 29 की पी क्यों मिलती है, व्हेन इफ यू लुक एट समथिंग लाइक एन आरती इंडस्ट्रीज जिसको 55 की पी मिलती है। प्राइमरी रीजन क्या है, क्योंकि आरती इंडस्ट्रीज का जो प्रोडक्ट सेगमेंट्स है या सब कुछ है, तो आरती इंडस्ट्रीज के बाद जो स्पेशलिटी केमिकल्स का बिजनेस है उसमें मार्जिन बहुत ज्यादा है, इनका नॉन वॉलेटाइल है। अगर आप यहाँ पे चेक करते हैं तो आरती इंडस्ट्रीज का, इट इज कंसिडर्ड टू बी अ स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस आरती इंडस्ट्रीज। तो अगर यहाँ पे मार्जिन थोड़ा नॉन वॉलेटाइल रहता है आरती इंडस्ट्रीज के केस में, तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज क्या हो जाती है कि वो जो एंड में जो वैल्यूएशन है उसमें रिफ्लेक्ट करता है। तो दीपक नाइट्राइट में भी अब सेकंड लेग ऑफ द जर्नी क्या है, जो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ कि दीपक नाइट्राइट ने, इसलिए मैं कहता हूँ एनुअल रिपोर्ट लास्ट 4 to 5 ईयर्स की पढ़ना हमेशा जरूरी रहता है। तो 2016 की अगर आप एनुअल रिपोर्ट चेक करते हैं तो यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग चीज मिलेगी कि जब दीपक नाइट्राइट की मैनेजमेंट ने ये बोला था कि विद द करेंट बिजनेस ऑफ वाइल द करेंट बिजनेस ऑफ योर कंपनी वाज बिल्ट ऑन प्लेटफॉर्म ऑफ नाइट्रेशन एंड हाइड्रोजनेशन, एज अ स्ट्रेटजी द फिनॉल एंड एसीटोन बिजनेस विल ब्रिंग इन न्यू प्लेटफॉर्म फॉर ग्रोथ। फिनॉल सर्व्स एज अ मेजर बिल्डिंग ब्लॉक फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री इंक्लूडिंग हाउसिंग, रोड कंस्ट्रक्शन, एज वेल एज फॉर विंड्स, एज वेल एज फॉर विंड मिल्स, ऑटोमोबाइल्स, एंड एज अ कंट्री इंक्रीजेज इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, अ लार्जर नंबर ऑफ स्मार्टर सिटीज गेट्स डेवलप्ड एंड डिमांड फॉर फिनॉल एंड एसीटोन बेस्ड डेरिवेटिव्स वुड हैव सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स। तो यहाँ पे इन्होंने बात करी डेरिवेटिव्स की, माने जो एक और बहुत इंटरेस्टिंग फिनॉल का डेरिवेटिव है, बाय द नेम ऑफ बेसिकली बाय द नेम ऑफ बायस फिनॉल, बायस फिनॉल की यहाँ पे ये बात कर रहे हैं डायरेक्टली। एंड व्हाइल द इनिशियली दीज प्रोडक्ट्स, जब ये फिनॉल और एसीटोन की बात कर रहे हैं, विल बी फिलिंग इंपोर्ट गैप एज बल्क कमोडिटीज, इन द लॉन्ग रन दे विल सपोर्ट स्पेशलिटीज फॉर मार्केट सच एज परफ्यूमरीज, प्लास्टिक एडिशंस एंड डेकोरेटिव लैमिनेट्स। अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम फिनॉल सेगमेंट्स वुड बी इन ऑफरिंग अ रेंज ऑफ सॉल्वेंट्स फॉर फार्मा इंडस्ट्री, दस स्ट्रेंथनिंग इट्स रिलेशनशिप विद द फार्मा इंडस्ट्रीज इन इंडिया। तो ये बात इन्होंने आज से 5 साल पहले बोली थी, और बिजनेस हमेशा एक इवॉल्विंग मूवी और स्टैटिक पिक्चर नहीं है, मैं आपको यही बार बार सिखाता हूँ। तो रिसेंट की आप अगर कॉन कॉल्स के अंदर देखते हैं तो कंपनी ने 700 करोड़ का केपेक्स अनाउंस करा है टू एड अ रेंज ऑफ न्यू सॉल्वेंट्स विच आर डाउन स्ट्रीम ऑफ फिनॉल एंड एसिटोन, एंड दीज सॉल्वेंट्स विल बी यूज इन प्राइमरी एप्लीकेशन लाइक लाइफ साइंसेस, पेंट्स एंड कोटिंग्स, माने वही फार्मा इंडस्ट्री और इन सब चीजों में इसका यूसेज होने वाला है। द कंपनी एम्स टू बिकम अ वर्ल्ड क्लास सप्लाई ऑफ सॉल्वेंट्स विच आर वेल इंटीग्रेटेड विद इट्स वाइड प्रोडक्ट बास्केट एंड प्रोसेस कॉम्पिटेंसीज। तो जो बात इन्होंने 5 साल पहले बोली थी, अब वो ये लोग अगले 3-4 साल में करेंगे, एंड मेरे को लगता है जो QIP रेज हो रहे हैं वो सब कुछ ये मतलब एक्विजिशन के लिए हो सकते हैं, या फिर जो केपेक्स का जो क्वांटम है, एक लार्ज साइज ऑफ केपेक्स है, केपेक्स आएगा इस कंपनी के अंदर। ऑलरेडी इस कंपनी का अगर हम नेट ब्लॉक देखते हैं इस टाइम पे तो 1800 करोड़ का है, और इस पे 1500 करोड़ का नेट ब्लॉक और ऐड होने वाला है अगले 1-2 साल के अंदर। अब उसके ऊपर भी अगर ये QIP करके 1000-1500 करोड़ और ऐड करते हैं, आई थिंक दे आर वेरी अग्रेसिव एज अ मैनेजमेंट, DNA बहुत ज्यादा अग्रेसिव है इनका।
मैंने आज 1800 करोड़ के नेट ब्लॉक पे ऑलमोस्ट 2.5x का एसेट टर्न चल रहा है इस कंपनी का। आई थिंक मोर देन 2.5x, 3x के आसपास का चल रहा है। सो दिस सीम्स टू बी वेरी वेरी वेल पॉइज्ड, बट जो नया केपेक्स है उस पर 2x के आसपास का आ सकता है। तो हो सकता है इस कंपनी की सेल्स अगले 3-4 साल में, 3-4 साल के अंदर डबल हो जाए, यहाँ से भी 12-13 हज़ार करोड़ की सेल पहुंच जाए इस कंपनी की। सो दिस इज हाउ यू लुक एट कंपनीज लाइक एन इवॉल्विंग मूवी रादर देन अ स्टैटिक पिक्चर। तो प्रोडक्ट सेगमेंट्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा ये रहती है। सो आई थिंक विद दिस आई विल सॉर्ट ऑफ स्टॉप ओवर हियर, ताकि आपको ये 2-3 एग्जाम्पल से बहुत अच्छा एक अंडरस्टैंडिंग लग जाए। एक एग्जाम्पल जो मैं आपके साथ और भी लास्ट डिस्कस कर सकता हूँ लॉरस लैब्स का, कि अगर आप लॉरस लैब्स के मार्जिन देखते हैं तो एक टाइम पे मार्जिन इनके 15-20% के आसपास थे, अगर आप यहाँ पे चेक करते हैं। तो लॉरस लैब्स के अंदर जो एकदम भयंकर वाली री रेटिंग आई थी, वो क्यों आई थी री रेटिंग? क्योंकि लॉरस लैब्स एक जो फिनिश डोसेज फॉर्मुलेशन के अंदर घुस गया, फॉरवर्ड इंटीग्रेट कर लिया, एंड फॉर्मुलेशन के अंदर मार्जिन ज्यादा, एंड लॉरस ऑलरेडी एपीआई का लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है। इस वजह से इनके जो मार्जिन है एकदम यहाँ पे अब नॉर्मली बढ़ गए। तो क्योंकि प्रोडक्ट सेगमेंट्स, प्रोडक्ट मिक्स बिजनेस का शिफ्ट हो गया। सो दिस इज हाउ यू थिंक अबाउट बिजनेसेस, एंड दिस इज हाउ यू थिंक अबाउट सेगमेंटल एनालिसिस। विद दिस वील गेट इन टू अ राउंड ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स। अगर आपके कोई भी क्यू क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड साथ साथ आई विल ऑल्सो सॉर्ट ऑफ अनाउंस की आज 2 PM पे वी आर डूइंग अ वेबिनार ऑन दी फिनटेक इंडस्ट्री विद मिस्टर साकेत मेहरोत्रा। तो एक बारी इफ यू डोंट फॉलो मी ऑन ट्विटर, डू फॉलो अस ऑन ट्विटर, वी आर वेरी एक्टिव ऑन ट्विटर। तो वी सो बेसिकली वी आर डू बेसिकली वी आर डूइंग अ डीप डाइव ऑन द फिनटेक इंडस्ट्री, एंड इफ यू वांट टू अटेंड यू कैन आल्सो अटेंड। सो लिंक टू द जो भी लिंक टू द रजिस्ट्रेशन आपके लिए पोस्ट कर रहे हैं, एंड 2 PM ऑनवर्ड्स लाइक इट विल बी अ वेबिनार विच विल लास्ट फॉर 2 to 3 hours, राइट? सो दिस इज अ सो दिस इज अ 6 deep dive। कल हमने फ्लोरिनेशन पे करा था डीप डाइव इन समवन एल्सेस सेशन। तो फ्लोरिनेशन का भी डीप डाइव हम जो SOIC ट्राइब मेंबर्स हैं उनके लिए मंडे को अपलोड कर देंगे। सो इफ यू इफ इफ बेसिकली एनीवन वांट्स टू अटेंड द सेशन, सो लिंक टू द सेशन इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। एंड फाइनली कमिंग टू अ राउंड ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स, राइट? सो जस्ट लुकिंग एट क्वेश्चन एंड आंसर्स, राइट? सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन प्रीवेस्ट डिनप्रो। सो इट्स एन इंटरेस्टिंग कंपनी है, बस वही है वैल्यूएशन थोड़ी सी इस टाइम पे समझ नहीं आती, क्योंकि आपके साथ एक बारी मैं खोल के दिखाई देता हूँ। तो ये डेंटल कंपनी है, एंड आई थिंक इनका जो ग्रॉस मार्जिन है काफी ज्यादा अच्छा है इस टाइम पे। इस कंपनी का 70-70% जो ग्रॉस मार्जिन है इस टाइम पे चल रहा है, बट इस टाइम पे थोड़ा सा वैल्यूएशन मेरे को नहीं समझ आता इस कंपनी का। एंड साथ साथ क्योंकि बहुत ज्यादा छोटी नैनो कैप कंपनी है, 350-400 करोड़ की है, तो यहाँ पे आपको इनडेप्थ वर्क बहुत करना पड़ता है, आपको मैनेजमेंट के बारे में बहुत श्योर होना पड़ता है। तो ये कंपनी है, मेरा एक जो फ्रेंड है वो भी इसको काफी क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं, तो उसने एक जो राइटअप है वो भी लिखा था। तो आपके साथ मैं राइटअप ये ट्विटर पे आफ्टर में इसके सेशन के आपके साथ जो राइटअप है यहाँ पे शेयर भी कर दूंगा, तो आप चेक कर सकते हैं। तो इट्स एन इंटरेस्टिंग बिजनेस, तो वो देख सकते हैं। कार ट्रेड, आई डोंट लाइक कार ट्रेड, सो जस्ट एज अ डिस्क्लोजर, बेसिकली आई डोंट लाइक द बिजनेस मॉडल, सो आई विल पर्सनली टोटली अवॉइड द बिजनेस, टोटली, जस्ट पर्सनल व्यू, राइट? सो लुकिंग एट मोर क्वेश्चंस, पी शरद तभी बढ़ेगी दीपक नाइट्राइट की जब ये डाउनस्ट्रीम जो जिसके डाउनस्ट्रीम डेरिवेटिव्स हैं फिनॉल के उसके अंदर सक्सेसफुली जाएंगे। अगर ये डाउनस्ट्रीम डेरिवेटिव्स में नहीं जाते फिनॉल के, तो शायद से पी रेटिंग होना मुश्किल हो सकता है। तो एज एन इन्वेस्टर यू कैन मेक दी जो इसमें जितनी भी प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ आएगी, पैट ग्रोथ आएगी, आपको वो रिटर्न तो आ जाएगा। पी शायद से कंपनी की उतनी ज्यादा री रेट ना हो जैसे जैसे आरती इंडस्ट्रीज की है, पर मेरे को लगता है दीपक नाइट्राइट 50% बल्क केमिकल रहेगा, 50% स्पेशलिटी केमिकल रहेगा। एंड इनका जो पी रेशियो है आई थिंक मैक्सिमम 30-40 के ऊपर जाना मुश्किल हो सकता है दीपक नाइट्राइट के केस में। बट ये ऐसा भी हो सकता है कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही 2000 करोड़ पहुंच जाए आज से 4 साल के अंदर, एंड पी रेशियो अगर 40 की पहुंच गई तो कंपनी का मार्केट कैप ही 80,000 करोड़ हो जाएगा, जो आज आई थिंक 30,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। तो दीज थिंग्स आर ऑल्सो पॉसिबल, राइट? तो आज मार्केट कैप देखेंगे 31,000 करोड़ के आसपास है। तो दीपक में वो जो पहले वाला रिटर्न था 10 bagger वाला शायद से आना मुश्किल है, बट दीपक यहाँ से इट विल बी अ फास्ट कंपाउंडर, इट वॉन्ट बी लाइक सुपर डुपर मल्टी बैगर टाइप्स, क्योंकि बेस अब बड़ा हो गया। बट यहाँ से भी दीपक नेक्स्ट 3-4 years में सेल विल सब डबल कर सकते हैं मेरे ओपिनियन में। ये जो अभी ये इक्विटी रेस कर रहे हैं वो काफी अच्छा पॉजिटिव जो डिसीजन हो सकता है मेरे व्यू में, क्योंकि 30 की पी पे अगर एक बल्क केमिकल कंपनी इक्विटी रेस करती है तो
And if they're able to sort of get into basically high-end margin business, so then this can be very, very interesting. राजन मोलटेक पैकेजिंग पे काम कर रहा हूँ इस टाइम पे, तो बिजनेस एनालिसिस हम अपने चैनल पे जरूर करेंगे मोलटेक पैकेजिंग का। नेक्स्ट वीडियो एक्चुअली हमारी एक तो एप्टस वर्सेस आवाज पे लाइक इन पाइपलाइन है, बट मैंने एक बीच में ये भी सोचा कि एक वीडियो हमारी इस पे भी जरूर आनी चाहिए। अगर आपको लगता है आनी चाहिए तो मेरे को कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इंडिया वर्सेस चाइना एंड द ट्रेड ऑफ चाइना प्लस वन एंड द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। नाउ दिस विल नॉट जस्ट बी द केमिकल सेक्टर, वी विल बी डिस्कसिंग अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज वेयर इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन और चाइना प्लस वन इज प्लेइंग आउट। दिस विल बी अ डिटेल्ड डाइव ऑफ 45 मिनट्स टू 50 मिनट्स। इफ यू वॉन्ट मी टू बेसिकली मेक अ वीडियो ऑन दिस, डू राइट अ हेल येस इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। डू राइट अ हेल येस इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो इफ यू वॉन्ट मी टू मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक, राइट? कि इंडिया वर्सेज चाइना and the trend of China plus one, not only in the chemical sector, but in a lot of other sectors. A lot of other sectors. मैं आपके साथ जितने भी sectors में trend play out कर सकते हैं, सारी बातें कर लूँगा आपके साथ। I'm just reading the comment sections कि if everyone wants me to make a video on this, right? Right, great. I think this will be one of the like most interesting videos. I'll tell you why, because I've been very interested in political science ever since 9th 10th class. So main aapke sath pura world ka jo history political order hai aapke sath discuss kar dunga ki kya hota hai world political order ke andar, bar bar power structures kyun shift hote hain, bar bar countries ke beech mein rivalry kyun badhti hai, ki aisa kya hota hai, and usme investment opportunities aaj kya ho rahe hain, कि चाइना में ऐसा क्यों चल रहा है एंड इंडिया में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज क्यों बढ़ रही है। तो एक ब्रॉड थिंकिंग करेंगे हम आप लोगों की, एक आई थिंक इस वीडियो से चैनल की जो जो जितने भी व्यूअर्स हैं उनकी थिंकिंग और जो नॉलेज है काफी ब्रॉड हो जाएगी इस वीडियो से, राइट? हीरो मोटोकॉर्प नमन, दिस इज वन कंपनी विच आई एम नॉट वेरी कीन ऑन, आई विल टेल यू व्हाई, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं आपकी इनकी एनुअल रिपोर्ट से ही आपको खोल के दिखा देता हूँ। तो आई लाइक टू रीड अ लॉट ऑफ एनुअल रिपोर्ट्स, तो इस साल अभी तक 55-60 एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ी है, उस पर कॉन्फ्रेंस कॉल्स काफी ज्यादा पढ़ी है इस साल तो ऑलमोस्ट। तो दीपक ने ये हीरो मोटोकॉर्प के केस में अगर आप एक सिंपल चीज देखते हैं जो यहाँ पे मेरे को काफी सालों से प्रॉब्लम लग रही है हीरो मोटोकॉर्प के अंदर, सिंपल चीज क्या है यहाँ पे कि अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ देखते हैं, राइट? अब आप ही मेरे को बता दीजिए, अगर एक बिजनेस वॉल्यूम नहीं ग्रो कर पा रहा, वॉल्यूम माने सपोज करते हैं अगर आज मैं 10 चिप्स के पैकेट बेच रहा हूँ and tomorrow if I start selling 12 packets of chips, so that means I've grown my volumes by 20%. But if I'm not able to grow my volumes for almost a decade, what does that tell you about the market? It tells you that the market is literally saturated right now. If you look at FY 12, 62 lakh volumes they sold. But in FY 20, they barely sold 64 lakh volumes, right? So beech mein, there hasn't been any growth in volumes. So ye jo bhi total income ki growth hai, ye pricing growth se aayi hai. So that is not high quality growth. इस वजह से अगर आप हीरो मोटोकॉर्प का लास्ट 10 इयर्स का स्टॉक चार्ट देखते हैं, इफ यू लुक एट द लास्ट 10 ईयर ऑफ स्टॉक चार्ट फॉर हीरो मोटोकॉर्प, रिटर्न ही नहीं। 10 साल पहले 1700 का था, आज भी 2400 का है। ऐसी कंपनीज हमें अच्छी नहीं लगती है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल का बहुत ज्यादा इसके अंदर थीम बन जाता है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, बट इलेक्ट्रिक व्हीकल भी तो अभी वाली वॉल्यूम्स को कैनिबलाइज करेगी, राइट? सो सच टाइप ऑफ कंपनीज आई पर्टिकुलरली डू नॉट लाइक। One of the mutual funds I respect a lot, PPFAS, वो इसको own करते हैं। तो I don't know why do they own, last 5-6 years से they've been owning. So this is one of the companies which I fundamentally disagree with them on this. There is barely any volume growth. How, मतलब इसमें तो ऐसे कि आप ऐसी ऐसी Rolls Royce में बैठे हैं जिसके अंदर इंजन नहीं है, तो ऐसी गाड़ी में बैठने का फायदा क्या है? आप गाड़ी में ही बैठ सकते हैं, गाड़ी तो चलने वाली है नहीं कभी, राइट? सो Sequent Scientific, यार I already disclosed everywhere कि I don't own the company anymore, because मेरे को लगता है टर्की वाला रिस्क काफी बड़ा आ गया कंपनी के अंदर। If you just look at Turkey, तो टर्की के अंदर क्या होता है, जब आप इंटरेस्ट रेट्स एक्चुअली जब आप घटाते हैं, एक्चुअली टर्की में इन्फ्लेशन काफी ज्यादा चलती है, तो जब आप इंटरेस्ट रेट्स अगर आप इन्फ्लेशन को फाइट करने के लिए आपको इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना चाहिए था कि जो मनी की सप्लाई है थोड़ी सी रुके, पर यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, मनी की सप्लाई को और बढ़ाते जा रहे हैं, पता नहीं कौन सा इकोनॉमिक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो लीरा है क्रैश पे क्रैश करी जा रहा है। इफ यू जस्ट लुक एट दिस सिंपल चार्ट, यूएसडी टू लीरा, राइट? यूएसडी टू लीरा, एंड अगर आप ये जो बेसिकली
जो डिफरेंट जो अदर वे अराउंड है वो करते हैं, लीरा टू यूएसडी, राइट। इफ यू लुक एट दिस सिंपल चार्ट यू विल रियलाइज कि क्या चल रहा है यहाँ पे। जस्ट लुक एट द डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। करेंसी हैज लॉस्ट ऑलमोस्ट 93% ऑफ इट्स वैल्यू इन लास्ट डेकेड, एंड इन लास्ट 5 years इट हैज लॉस्ट ऑलमोस्ट 76% ऑफ इट्स वैल्यू। लास्ट 1 year इट हैज लॉस्ट ऑलमोस्ट 50% ऑफ इट्स वैल्यू, राइट। जब हम सीक्वेंट के केस में देखते हैं, जब हमने वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने कमेंट सेक्शन में एक जो कमेंट है वो भी जरूर मेंशन करा था, टॉप पिन कमेंट था उस टाइम पे, तो आई डोंट नो अभी पिन हो रखा है नहीं हो रखा। इट्स अ गुड बिजनेस नो डाउट, बट यहाँ पे अगर आप एक चीज चेक करते हैं सीक्वेंट की वीडियो के अंदर, तो यहाँ पे की सोर्स ऑफ रिस्क क्या लिखा था, फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन एंड जियो पोलिटिकल रिस्क फ्रॉम टर्की। तो ये सोर्स ऑफ रिस्क इस टाइम पे प्ले आउट कर रहा है इस कंपनी के अंदर। एंड सेकेंड सोर्स ऑफ रिस्क क्या है कि जो ब्राजील एज अ कंट्री है वहां पे भी करेंसी काफी ज्यादा वॉलेटाइल रहती है, तो ब्राजील में भी एक्सपोजर है। तो ये सोर्सेज ऑफ रिस्क आपको पता रहने चाहिए कि ये एक सोर्स ऑफ रिस्क है जो इस टाइम पे बिजनेस के अंदर प्ले आउट करे। तो इसी टाइम पे हमें अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं कंपनीज में, बट अभी मेरे को लगता है कि वी शुड वेट एंड वॉच फॉर 1 or 2 more quarters। मतलब आई आई डू नॉट ओन द स्टॉक राइट नाउ, तो यहाँ पे जिसने किसी ने भी मुझसे भी पूछा तो आई ऑलरेडी मैम बेसिकली मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन लो कि वी बेसिकली शिफ्टेड टू हेल्थ केयर ग्लोबल आफ्टर सेलिंग सीक्वेंट। तो जिसने जिसका भी कमेंट आया उसको हमने यहाँ पे रिप्लाई करके बताया, तो इफ यू कैन सी तो यहाँ पे सबको रिप्लाई हो रखा है। तो यहाँ पे आपको एक चीज बस याद रखनी पड़ेगी कि अगर अगर ये प्रॉब्लम परसिस्ट करती है अगले 1-2 quarter में, तो शायद से वैल्यूएशन और भी ज्यादा सस्ती हो सकती है, क्योंकि कॉस्ट स्ट्रक्चर भी इस टाइम पे चेंज हो रखा है। तो ये दीज टू थिंग्स कैन हैपन ओवर इट। तो ये आपको सोर्स ऑफ रिस्क पता रहना चाहिए बिजनेस के अंदर। नाउ जस्ट कमिंग टू मोर क्वेश्चंस, राइट। टार्सन्स इज अ गुड कंपनी यार, 40-50% ईबिटा मार्जिन करते हैं, पता नहीं और कैसी कंपनी ढूंढना मुश्किल है, राइट। सो 10 years का तो पता नहीं दीपक नाइट्रेट विल बी अ मल्टीबैगर और नॉट, 10 साल का बताना मुश्किल है, बट 3-4 साल में लगता है कि यहाँ से मार्केट कैप कैन ग्रो। इन माई व्यू, अगेन आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, नाउ दिस इज जस्ट माई व्यू, यू डोंट हैव टू, यू हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, राइट। सारे गामा में यार आई थिंक एवर सिंस वी बॉट द स्टॉक, तो उस टाइम भी जब हमारी वीडियो आई थी यूट्यूब की, सब लोग बोल रहे थे बहुत महंगा हो गया ये सब हो गया, तो यूट्यूब की जो वीडियो थी आई थिंक मई में हम लोगों ने शूट करी थी, आई थिंक यहाँ पे आसपास मई में आसपास, आई थिंक 2200-2300 का होगा। तो उस टाइम पे भी इट वॉज इन माई व्यू चीप। एक स्टेज के बाद अभी इस टाइम पे क्या चल रहा है कि सारे गामा के स्टॉक में फ्लोट नहीं है बिल्कुल भी। फ्लोट का मतलब क्या है, अगर मैं आपको सिंपली टर्म्स में ये समझाऊं, तो अगर हम एनएससी इंडिया की वेबसाइट खोलते हैं, एनएससी इंडिया की वेबसाइट खोलते हैं, राइट। अब एनएससी इंडिया की वेबसाइट में आके जब हम सारे गामा सर्च करते हैं, तो मैं आपको एक चीज सिखा भी देता हूँ, आपको बढ़िया लगेगा कि जब आप यहाँ पे आके वेबसाइट के अंदर इनकी एक आई थिंक ओवर ईयर अगर आप ये ट्रेड इन्फॉर्मेशन देखते हैं, तो दिन के कितने शेयर्स ट्रेड हुए हैं, सिर्फ 8,704 शेयर्स, माने वॉल्यूम ही 8,704 शेयर्स के। तो टोटल ट्रेडेड वैल्यू ऑफ दिस शेयर इज बेयरली 4.34 करोड़। तो माने क्या है कि थोड़ी सी ट्रेडिंग में भी या थोड़े से भी वॉल्यूम बढ़ने में स्टॉक प्राइस ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि वॉल्यूम नहीं है बिल्कुल भी। टोटल मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो आज 9,630 करोड़ का है, पर सिर्फ ट्रेडिंग 4.34 करोड़ की हो रही है, क्योंकि वॉल्यूम नहीं है। इस टाइम पे क्या करा है, वॉल्यूम कॉर्नर हो गई है। किन लोगों ने कॉर्नर करी है, अगर हम देखते हैं रिसेंट QIPs में, तो जो भी FIIs हैं या DIIs हैं, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने मिलकर वॉल्यूम को कॉर्नर कर लिया। जब वॉल्यूम कॉर्नर हो जाती है स्टॉक्स के अंदर, तो मैं आपको बताता हूँ क्या आउटकम आते हैं। अगर आपको ये आउटकम देखते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। और ये आई थिंक मेरी वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टिंग मिस्टेक्स है कि मैंने ये मेंटल मॉडल रियलाइज नहीं करा। अभी हमने SOIC स्टूडेंट्स के लिए क्लास बनानी थी, बट आई थॉट कि आई विल डू अ लाइव वेबिनार इंस्टेड ऑन 2nd of January। तो HLE ग्लासकोट इज अ सिमिलर कंपनी जिसमें वॉल्यूम कॉर्नर होगी थी। आई बॉट दिस स्टॉक एट 150-200 रुपीज के आसपास, आई थिंक आई बॉट दिस स्टॉक समवेयर क्लोज टू दिस, 250 पे भी लिया था, एंड आई सोल्ड दिस स्टॉक एट 800-850 रुपीज के आसपास। सिंस देन द स्टॉक वेंट टू ऑलमोस्ट 7,308 रुपीज, राइट। एंड वाई डिड दैट हैपन, क्योंकि कंपनी की जो वॉल्यूम्स है वो कॉर्नर हो गई थी स्टॉक की वॉल्यूम। तो यहाँ पे देखते हैं प्रमोटर 71% स्टेक, FII के पास 3.67% स्टेक, एंड पब्लिक में भी अगर हम चेक करते हैं तो जो लार्ज शेयर होल्डर्स है उनके पास ऑलमोस्ट 10% स्टेक था। तो माने इस कंपनी की जो 85-86% वॉल्यूम्स थी वो कॉर्नर हो गई थी।
आज भी अगर हम इस कंपनी के बिजनेस के अंदर चेक करते हैं, तो अगर मैं आपके साथ फिर एनएस इंडिया की वेबसाइट खोलता हूँ, तो एनएस इंडिया की वेबसाइट में आके अगर हम एचएलई ग्लासकोट के अंदर आते हैं, तो आज भी अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी की ट्रेड वॉल्यूम्स बहुत कम है। तो जब भी ऐसी कंपनी में जहाँ पे फ्लोट लो होती है, जिसकी हम 2 जैन को एसओआईसी स्टूडेंट्स के साथ मास्टर क्लास कर रहे हैं, मैंने ऐसी कम से कम 30 केस स्टडीज निकाली है, तो जहाँ पे फ्लोट लो होती है, तो सपोज करते हैं यहाँ पे ट्रेडेड वैल्यू कितनी है, बेयरली 5200 शेयर्स की वॉल्यूम थी पूरे दिन में। ट्रेडेड वैल्यू सिर्फ 3 करोड़ के आसपास की थी। अगर किसी ने ऑर्डर डाल दिया 1 करोड़ का, तो आधा प्राइस तो स्टॉक का वैसे ही ऊपर चले जाएगा। 7600 करोड़ के मार्केट कैप में सिर्फ 3 करोड़ की ट्रेडिंग हो रही है दिन में। जस्ट इमेजिन कि व्हाट एंड्स अप हैपनिंग अगर कोई 1-2 करोड़ का आगे ऑर्डर डाल दे ऐसी कंपनी में। तो लो फ्लोट स्टॉक्स में यही गेम होती है बार बार। आई थिंक सारे गामा भी इस टाइम पे उसी ट्रेजेक्ट्री के अंदर चला गया। इस वजह से इस बार ही बिकॉज आई लर्न फ्रॉम एचएलई ग्लासकोट, इस बारे आई एम जस्ट कंप्लीटली राइडिंग द स्टोरी। आई थिंक यहाँ पे 35-30% अर्निंग्स ग्रोथ भी आएगी साथ साथ, राइट? सम मोर क्वेश्चंस दैट वील टेक, देन वील सॉर्ट ऑफ इन 5-10 मिनट्स वील एंड द सेशन, ताकि 2 PM को भी सेशन है। तो इफ एनीवन वांट्स टू अटेंड आवर 2 PM सेशन, सो लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, राइट? वॉल्यूम कौन है यार, माने कि मतलब इंस्टीट्यूशंस आके वॉल्यूम ले रही है, तो इंस्टीट्यूशंस जनरली बेचती नहीं है इतनी जल्दी रिटेल इन्वेस्टर या ट्रेडर बेच देते हैं। तो इंस्टीट्यूशंस जब आती हैं ऐसी कंपनी में, तो वॉल्यूम्स एक्चुअली में कॉर्नर हो जाती है, राइट? ऑरोबिंदो आई डोंट नो यार, ऑरोबिंदो आई डोंट ट्रैक वेरी क्लोजली। थोड़ा वहां पे पहले कॉर्पोरेट गवर्नेंस का था प्रॉब्लम, अभी पता नहीं क्या चल रहा है। आई थिंक जय कस्टम सिंथेसिस एंड सीडीएमओ, आई थिंक दे आर अ लिटिल डिफरेंट। कस्टम सिंथेसिस शायद से एग्रो के लिए बोला जाता है, क्योंकि पीआई इंडस्ट्रीज कभी सीडीएमओ नहीं कस्टम सिंथेसिस मेंशन करता है, वेयर एज कोई भी फार्मा कंपनी ज्यादा कस्टम सिंथेसिस वर्ड नहीं, सीडीएमओ वर्ड ज्यादा यूज करती है। तो शायद से डैट कुड बी द डिफरेंस, तो यू कैन सॉर्ट ऑफ थिंक अबाउट इट। क्योंकि कस्टम सिंथेसिस ज्यादातर मैंने पीआई इंडस्ट्रीज जैसी कंपनी के जो वर्डिंग है उससे ज्यादा सुना है मैंने पर्सनली तो, राइट? पर हालांकि आपने सुना हो या ना सुना हो, आपको एटलीस्ट मेरे ओपिनियन में आपको इकोनॉमिक्स पता होनी चाहिए बिजनेस की, बिकॉज टर्म से ज्यादा जो एंड प्रोडक्ट है, राइट, दैट मैटर्स अ लॉट मोर, राइट? ग्रेट। फेयर कैम, दैट्स अनदर कंपनी दैट वी ओन, लाइक नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, दैट इज इंटरेस्टिंग। मैप माई इंडिया का हमने रिसेंटली ब्लॉग लिखा था, वो हमारी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। लो फ्लोट इन कंपनीज वेयर ग्रोथ कैन कम, वेयर सॉर्ट ऑफ लो फ्लोट माने कि जहाँ पे ग्रोथ आ सकती है एंड जहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा अच्छी दिख रही है, तो इट कुड बी गुड इन केस ऑफ सारेगामा, इट कुड बी गुड, राइट? एपीएल, अपोलो, गोकुल, जस्ट इमेजिन प्रमोटर इतना बड़ा फनेटिक है कि इलेक्ट्रिक ट्रक्स खरीद लिए हैं, माने इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रक्स लिए, उनको उनपे पूरा सोलर पैनल लगा दिया है ताकि वो अपना लाइक इलेक्ट्रिक उससे चले, बैटरी पावर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल से। एंड ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फ्रेट हैवी इंडस्ट्री है, तो फ्रेट कॉस्ट में बचत है। मेरे को नहीं लगता उनका कोई कंपेटिटर ऐसा कर सकता है, तो ये एक आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, एक लर्निंग है अगर जो आपको सीखनी चाहिए, राइट? डीएमसीसी यार इंटरेस्टिंग लगता है, क्रिस्टियानो उजुमाकी, सो यू हैव मिक्स्ड द नेम ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो विद द एनिमे ऑफ नारुतो, वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? सो कार ट्रेड नहीं यार, कार ट्रेड आई एम नॉट पर्सनली इंटरेस्टेड इन, राइट? सो अगेन जस्ट माई व्यू, आई कैन बी टोटली रॉन्ग। सो कार ट्रेड आई एम नॉट पर्सनली इंटरेस्टेड इन, किसी को समझ आता है तो आपको ठीक लगे, पर मेरे को नहीं समझ आता। मार्केट इस टाइम पे कुछ कुछ सेक्टर ऑफ अंडर वैल्यूएशन है, कुछ कुछ सेक्टर ऑफ ओवर वैल्यूएशन है, बट ये जो चाइना प्लस वन का ट्रेंड है, ये आज से 5-10 साल लास्ट करेगा। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अगर आपको आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ ऑन इंडिया वर्सेस चाइना एंड एंड द ट्रेंड ऑफ चाइना प्लस वन विथ मल्टीपल सेक्टोरल अपॉर्चुनिटीज, जस्ट राइट अ हेल येस इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। इफ आई रिसीव अ लॉट ऑफ हेल येस, देन आई डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दिस वन, राइट? प्लानिंग भी तो है मेरी, बट अगर बहुत लोगों को ये टॉपिक पसंद आएगा तो हम लोग एकदम इन डेप्थ जाएंगे पूरे इंडिया वर्सेज चाइना के जियो पोलिटिकल इशूज में, इकोनॉमिकल इशूज में, सारी चीजों में। इफ यू वॉन्ट तो वील डू इट, राइट? हाँ, एपीएल, अपोलो, गोकुल, बेसिकली द प्रमोटर इज सच अ बिग फनेटिक दैट ही रिसेंटली बॉट इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रक्स एंड ही पुट सोलर पैनल ऑन टॉप ऑफ देम टू बेसिकली रिचार्ज ऑल दी लाइक टू बेसिकली रिचार्ज द बैटरी ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रक। एंड सेकेंडली, वॉट इज इम्पॉर्टेंट इन द बिजनेस और वॉट इज इंटरेस्टिंग इन द बिजनेस इज कि वो दैट फ्रेट कॉस्ट
might get reduced because it's a freight heavy industry, but promoter is so low cost oriented that he's willing to do such things, whereas competitors aren't willing to do. And secondly, Google, what he's doing right now, that he's setting up a plant at Raipur, Chhattisgarh. He's making the steel city of India. And in that plant, what is going to happen, that they'll be launching products which will have 20,000 EBITDA per ton. Now, I've been owning this company ever since it was 100 rupees in stock price. And this might be our first 10 bagger in my journey. So let's see if it happens or not. Fingers crossed, right? I think it already happened some time ago. So it's a very interesting company. So, right, I've received a lot of hell yes. So done. So I think China plus one, that is going to be the next video. This will be a detailed dive into the basically prospects of entire world politics की चलता क्या है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में. थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्योंकि बार बार स्टॉक रिसर्च से थोड़ा बाहर निकल के अगर वर्ल्डली वाइज बनना है तो थोड़े थोड़े डिफरेंट सेक्टर में भी देखना चाहिए. विष्णु नायर, फर्मेंटेशन एपीआईज में एक ही कंपनी हमारे सामने आती है, इट्स अ वेरी स्मॉल माइक्रो कैप. शायद से मैं नेम नहीं करना चाहूंगा इस टाइम पे. तो माइक्रो कैप है, आई कैन गिव यू दिस हिंट कि फर्मेंटेशन एपीआईज के अंदर है. बहुत बड़ा केपेक्स कर रहे हैं इस टाइम पे. तो अगर आप थोड़ा सेक्टर पढ़ेंगे तो आपको शायद से आइडिया लग जाएगा, राइट? इंश्योरेंस में यश, वी डिड अ डीप डाइव, ऑलमोस्ट 12 घंटे का सेशन था जनरल एंड लाइफ इंश्योरेंस में. बट मैंने मैंने लाइफ इंश्योरेंस कवर करा था. मेरा एट द एंड क्या पढ़ने के बाद क्या निकल के आया कि मैं सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करूंगा. बहुत कॉम्प्लिकेशन है सेक्टर के अंदर, इतनी ज्यादा उसके अंदर अकाउंटिंग नॉर्म्स है जो मेरे को नहीं समझ आ सकती, राइट? तो इवन तो मैंने समझी, मैंने सबको समझाई भी, बट बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ टाइम समझना मुश्किल हो जाता है. अर्पण हैज अ क्वेश्चन, हाउ कैन यू कीप योर कन्विक्शन इन टैक्स स्टॉक्स. सो सजल सर, लाइक सी सजल सर इज अ फैंटास्टिक इन्वेस्टर अगेन, बट द थिंग इज कि वी लर्न फ्रॉम हिम एंड देन वी अडॉप्ट थिंग्स इन आर ओन फ्रेमवर्क. मैंने हम उनकी लर्निंग्स लेते हैं, हम सारे इन्वेस्टर से लर्निंग लेते हैं. समित सर से लेते हैं, सजल सर से लेते हैं, जो विराट सर है उनसे लेते हैं, जो आदित्य खेमका सर है उनसे लेते हैं, संजय बख्शी सर से लेते हैं. सबसे लर्निंग लेके हम क्या करते हैं, एट द एंड एसओआईसी का फ्रेमवर्क बनाते हैं. हम ब्लाइंडली क्लोन नहीं करते, बट अपना फ्रेमवर्क बनाना अर्पण आपके लिए बहुत जरूरी है. क्योंकि अगर आपका अपना फ्रेमवर्क नहीं होगा, तो सर ने एक चीज ट्वीट करी थी येस्टरडे जो मैं आपको यहाँ पे दिखा भी सकता हूँ, विच आई थिंक बिकम्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू नोटिस एज वेल. तो वॉट ही इज एक्चुअली ट्राइंग टू टीच अस इज बी इंडिपेंडेंट इन योर ओन थिंकिंग. तो उन्होंने एक इंटरेस्टिंग चीज अगर आप चेक कर सकते हैं, कल इन्होंने क्या ट्वीट भी करी थी कि यू कैन कॉपी माई बिगेस्ट कन्वेक्शन बट यू वोंट बी एबल टू पेस्ट. माने आपका फ्रेमवर्क एट दी एंड खुद का होना चाहिए, एंड जब आपका फ्रेमवर्क एट दी एंड खुद का है तो आई थिंक कन्वेक्शन इज समथिंग विच इज लाइक अ ग्ला विच इज लाइक अ वॉल मेड आउट ऑफ स्टील, कि आप जितनी भी बारी भी बॉल मारेंगे तो वो शायद से स्ट्रांग ही रहेगी. वेराज कॉपीड कन्वेक्शन इज समथिंग विच इज अ बॉल विच इज अ वॉल मेड आउट ऑफ ग्लास. अगर आप बॉल मारेंगे तो वॉल टूट जाएगी, क्योंकि हम सब डिफरेंट टाइम होराइजन में गेम प्ले करते हैं. तो आई थिंक बी इंडिपेंडेंट, लर्न फ्रॉम एवरी वन, मेक योर ओन फ्रेमवर्क, दिस इज द राइट स्ट्रैटेजी. एंड बेसिकली मैसिव रिस्पेक्ट फॉर ऑल आर मेंटर्स, तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. बट एट द एंड जो आपकी ओरिजिनलिटी है, आपका फ्रेमवर्क है, आपका खुद का होना चाहिए. विवेक, आई एवरेज अप अ लॉट. मैंने मैं स्टॉक्स में बहुत ज्यादा एवरेज करता हूँ. तो जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, जो म्यूजिक लाइसेंसिंग कंपनी की बात करते हैं, तो आई स्टार्टेड बाइंग एट 800, आई बॉट एट 1200, 1500, बीच में आई थिंक 2200 to 2700 पे भी लिया था, एंड लास्ट 3200 के आसपास भी आई थिंक आई बॉट, 3200 to 3500 के बीच में. सो आई टेंड टू एवरेज अप अ लॉट, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? वी हैव टू टेक योर ईयरली सब्सक्रिप्शन टू ओन गुड कंपनी ऑन नॉट रिकॉर्ड. तरुण सी, एनुअल सब्सक्रिप्शन में वी डू सो मेनी सेक्टोरल वेबिनार्स, वी डू सो मेनी मास्टर क्लासेस. तो जैसे अभी हम 2 जन को मास्टर क्लास ऑन लो फ्लोट कर रहे हैं, अभी 2 PM पे फिनटेक इंडस्ट्री पे डीप डाइव कर रहे हैं. जुलाई के अंदर हमने जो जो नियोजन केमिकल्स एंड गुजरात फ्लोरो केमिकल्स उनमें डीप डाइव करा था. IEX का डीप डाइव हमने मार्च के अंदर करा, सॉरी फेब्रुवरी के अंदर करा था. उसके बाद हमने जो दीपक नाइट्राइड, नवीन फ्लोरिन, आलती इंडस्ट्रीज, इनका डीप डाइव हमने लास्ट लास्ट दिसंबर की फर्स्ट वीक में करा था. आई थिंक तब उस टाइम पे सेक्टर का बहुत ज्यादा बात नहीं हो रही थी. उससे पहले हमने बजाज फाइनेंस और इन सबका डीप डाइव करा था लास्ट अक्टूबर नवंबर के अंदर. तो हमने ऑलमोस्ट ऐसे 10 सेक्टोरल वेबिनार्स ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं. तो आई थिंक जो डीप इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है, आपको वहां से ज्यादा अच्छी आएगी. एंड कभी कभी जैसे अभी हॉस्पिटल सेक्टर है, मैंने आज तक हॉस्पिटल की एक भी वीडियो नहीं बनाई यूट्यूब पे, क्योंकि मैं हॉस्पिटल सेक्टर को सेक्टोरल एनालिसिस में कवर करूंगा. एंड वहां पे मैं जो HCG है उसको मेजरली कवर, जो उसकी जो मेजर कवरेज है, मैं HCG की वहां पे करूंगा.
ना आपको वहां पे मैं अपनी थीसिस एक्सप्लेन करूंगा एचसीजी की, कि एचसीजी के अंदर क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है। गुजरात फ्लोर केमिकल में तो अभी फायर इंसिडेंट हुआ है, 6-7 पीपल हैव अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट देयर लाइफ, इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग। बट बिजनेस वाइज आई थिंक स्मॉल स्टैंड अलोन प्लांट था, तो मैं ये देखना पड़ेगा कि कहीं शट डाउन ना कर दे प्लांट अथॉरिटीज आके। तो स्मॉल स्टैंड अलोन प्लांट था एक बड़े से यूनिट के अंदर, तो देखते हैं कि उसमें ज्यादा फर्क पड़ता है नहीं पड़ता, बट इट्स एन इंटरेस्टिंग बिजनेस। पर गुजरात फ्लोरो केमिकल्स में जस्ट बी केयरफुल कि जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है वो बहुत ज्यादा है, राइट? सो विद दिस आई थिंक मोर और लेस आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, सो आई थिंक होप दिस हेल्प्स यू, एंड आई विल सी यू एट 2 PM टूडे। I'll see you at 2 PM today, and next video will be definitely be on India versus China, the trend of China plus one and the entire world order, how the entire world order moves. Thank you so much for joining us. I hope every one of you have a great Sunday ahead. Thank you so much. Jai Hind. Right, I'll just read the comments just before you go. मैस्टेक में भी काम करना है यार, मैस्टेक बहुत टाइम से अभी पेंडिंग चल रहे हैं, मैस्टेक में भी वील मेक वन डेफिनेटली, राइट? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एवरीवन।